आप लोगों को पता है निर्माण मजदूर का एक कानून भी होता है जिसमें पेंशन वेंशन मिलती है? उस टाइम में निर्माण मजदूरों का कानून बनवाना बहुत जरूरी था, और खास करके जो निर्माण मजदूर है उसी को लड़ाई में आगे आना था और उसी को लड़ना था। शुरू शुरू में तो काफ़ी परेशानी कठिनाइयाँ आया, जैसे कि हम लोग 8 बजे से 9 बजे से हम लोग अपना काम पर चले जाते थे और शाम में 5 बजे काम छोड़ने के बाद हम लोग बस्ती में जाते थे। फिर जो मजदूर निर्माण में काम में लगे हुए थे उनको जाकर हम लोग संदेश देते थे कि निर्माण मजदूरों का कानून बनेगा और आप लोगों को इसमें जुड़ना पड़ेगा। जैसे पेंटर, कारपेंटर, पत्थर वाले मिस्त्री, राजमिस्त्री और बढ़ई और इत्यादि, एक मकान बनाने में जितना मजदूर लगता है उन मजदूरों को हम लोग घर घर जाके इकट्ठा करते थे और मीटिंग करके बताते थे कि देखो निर्माण मजदूरों का कानून नहीं है, ये कानून के लिए हम लोगों को मिलजुल के लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाके कानून बनेगा। मजदूरों ने लड़ाई करके मजदूरों की क्या प्रॉब्लम्स है, निर्माण मजदूर में काम की स्थिति में, काम करने के स्थान में क्या प्रॉब्लम है, उसी को देखते हुए एक पार्टिसिपेटरी वे में मजदूरों को लेके लड़ाई शुरू हुआ था। और 12 साल लड़ाई के बाद ही 1985 से लेके 1996 में जाके कानून हमको मिला। ये काम करते करते जब हमें लगा कि हमें काफ़ी सहयोग की ज़रूरत है, काफ़ी संस्थागत समर्थन की ज़रूरत है, तब हम कैंपेन चला पाएंगे, तो वो सब प्रोवाइड करने के लिए निर्माण नाम की संस्था को बनाया गया। मजदूरों को एक तो पता नहीं है कि कानून क्या है और क्या हम लोगों को ये सारी चीज़ें मिल सकता है, क्योंकि सरकार ऐसे कहीं बोर्ड उड़ या इस तरह से कुछ नहीं बनाया है कि इनको, तो इसलिए कि उनको घर में जाकर उनको समझाना पड़ता है कि ये आपका कानून है। हम बस्ती में निर्माण मजदूरों को टारगेट करते हैं, मतलब उनको टैग करते हैं कि कौन कौन मकान बनाने का काम करते हैं, फिर उनके फॉर्म वगैरह भर के उनको हम लोग फॉर्म भरने का DLC ले जाते हैं, उसके बाद उन लोगों का रजिस्ट्रेशन का काम हो जाता है, उनका कार्ड बन जाता है। मेरे फादर भी राजमिस्त्री हैं और मेरे हस्बैंड भी पेंट का काम करते हैं, मतलब दोनों ही कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और दोनों के ही कार्ड बने हुए हैं। और मेरे फादर को मेरे मतलब अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर के कार्ड से मेरे और मेरी सिस्टर की शादी का जो मिला है 10,000 रुपये, पहले 10,000 रुपये था शादी का लड़की की, तो 10,000 दोनों का मिला है। और मेरे हस्बैंड के कार्ड से मुझे खुद को मैटरनिटी का मिला है 30,000 रुपये। हमें पता नहीं था कि मजदूरी कार्ड बनते हैं, तो एक आध जगह पैसे मर गए हमारे काम के, तो ठेकेदार के पीछे पीछे घूमते रहे, नहीं मिले पैसे, तो फिर हमारे दिमाग में काम बैठ गई, ये मजदूरी कार्ड बनेगा तो कुछ तो हमारे को सरकार मदद करेगी। दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो मजदूरों के कार्ड बनते हैं वो 90 दिन की दिहाड़ी करने के बाद ही बन पाता है, मगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि ऐसे वर्कर दिल्ली के बाहर से आते हैं और वो एक साइड पे ज़्यादा दिन उनको ठेकेदार रखता नहीं है और उनके 90 दिन हो नहीं पाते, इसके वजह से उसका एक कार्ड नहीं बन पाता, और अगर बन भी जाता है तो दिल्ली का कार्ड उनके UP में या बिहार में नहीं चलता है, तो मजदूर उसको बनाने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि अगर दिल्ली का कार्ड है या रजिस्ट्रेशन वर्कर का कहीं का भी है तो उसका कार्ड ऑल इंडिया में चलना चाहिए, जिससे उसको बार बार ये प्रॉब्लम ना हो कि यहाँ रहने के बाद और उसको UP में या बिहार में सुविधाएं ना मिले, तो इस वजह से वो इंटरेस्टेड नहीं होता और उनके बच्चों को भी सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। आज जिससे छेड़खानी की कोशिश हो रही है, जिसको समाप्त करके एक सामाजिक सुरक्षा 4 कोड लाने की कोशिश हो रही है सरकार की, कि हम कोशिश करेंगे कि उसको नाकाम करें और सरकार को समझा पाएँ कि वो कोड निर्माण मजदूरों पर लागू करना ज़रूरी नहीं है, निर्माण मजदूरों का जो कानून जैसा बना है उसको जारी रखें और जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है कि उसको इम्प्लीमेंट करा जाए, उसको इम्प्लीमेंट पूरी तरह से काम कर पाएँ और जो 10 करोड़ मजदूर हैं उन सबको रजिस्टर करके उनको सामाजिक सुरक्षा देना शुरू हो सके।